कोरोना के चलते चाहे देश में इस बार गणेशोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, मगर इस दौरान लोग हर वर्ष की तरह अपने घर गणपति बप्पा को लाते दिख सकते हैं। इसके लिए बाजारों आदि में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच इंदौर से एक खबर आई है, जहां गणेश उत्सव के मौके पर एक मिट्टी के कलाकार ने कोरोना महामारी के इस दौर में गणपति बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति तैयार की है। बताया जा रहा है कि गणेश भगवान की इस प्रतिमा के जो वस्त्र तैयार किए हैं, वो फिलहाल यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए अब देरी न करते हुए आपको गणेश जी सुंदर मनमोहक रूप के दर्शन करवा ही दें। बता दें कि ये मिट्टी से तैयार किए भगवान गणेश को डॉक्टर का रूप कलाकार अभिषेक ने दिया है। एप्रिन के साथ ही उन्होंने इन्हें गले में आला भी पहनाया है। अभिषेक ने डॉक्टर गणेश जी को इंदौर स्वास्थ्य विभाग में विभाग के जिम्मेदारों के हाथों दिया है, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने भगवान की प्रतिमा को अपने दफ्तर में स्थापित करते हुए इसे ताकत को दोगुनी होने के साथ साथ कोरोना के जल्द खत्म होने की उम्मीद का जरिया भी बताया है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि बप्पा दुनिया से संकट को जल्द ही दूर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ की एक कलाकार ने चॉकलेट से गणेश जी की प्रतिमा भी तैयार की है, जिनका रूप दिखने में बेहद ही निराला है। यही नहीं, कलाकार ने गणेश जी की प्रतिमा के साथ पुलिसकर्मी और एक डॉक्टर को भी बनाया है, जो खास संदेश दे रहे हैं। मीडिया ने बातचीत के दौरान चॉकलेट गणेशा के कलाकार ने गणेश जी की चॉकलेट की प्रतिमा बनाने के पीछे की कहानी मीडिया के समक्ष रखी, जो कुछ इस प्रकार से है। मैम, ये गणेश जी किस तरह से तैयार किए गए हैं, आप थोड़ा सा बताइए। नमस्ते, मैं निधि शर्मा। ये गणेश जी हम लोगों ने पूरे चॉकलेट के बनाए हैं और इन गणेश जी पे हम लोगों ने थीम ली है कोरोना की। इस गणेश जी पे हम लोगों ने एक साइड पुलिसमैन को रखा है और एक साइड डॉक्टर्स को लिया है। पुलिसमैन का जो किरदार है वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, जो उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और सबको घर में रहने की स्ट्रिक्टली अनुमति दी थी, उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे दर्शाया है। प्लस डॉक्टर्स का जो रोल था वो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शाया, लोगों की सेफ्टी, सैनिटाइज होना, लोग मास्क पहने, जो उन लोगों ने जागरूक किया है लोगों को, वो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे दर्शाई है। प्लस एक मैंने यहाँ पे बॉल बनाई है, चॉकलेट की है, इसका रूप दिया है हमने कोरोना वायरस की बॉल्स को। और उसके आगे हम लोगों ने एक श्लोक लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, मतलब सभी सुखी रहें सभी निरोगी रहें। उसके बाद हम लोगों का जो नारा है कोरोना गो। और एक चीज और थी कि गणेश जी हम लोगों ने बिठाए हैं, गणेश जी के नीचे हम लोगों ने अर्थ का रूप दिया है, अर्थ को हम लोगों ने लॉक कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अर्थ लॉक हो गई थी, तो उसका हमने इसको दर्शाया है। और गणेश जी कोरोना के बॉल को मारते हुए, ये चीज हमने इसको दर्शाई है। आपका नाम? तो दोस्तों, आपने इन तस्वीरों से अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि इस महामारी के संकट में भी लोगों की आस्था भगवान के प्रति अभी भी कायम है, जो साफ रूप से नजर आ रही है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।